हरियाणा के नूह में आज भी बुलडोजर एक्शन जारी है। हिंसा में शामिल लोगों के घरों पर चला बुलडोजर, तोड़ा गया अवैध निर्माण। नूह में प्रशासन ने जेसीबी से अवैध होटल्स भी ढाए हैं। सहारा होटल पर चला बुलडोजर, हिंसा के दौरान इसी जगह से शुरू हुआ था पथराव। नूह हिंसा के बाद एक सीआईडी इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में इंस्पेक्टर ने सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। कहा है वक्त रहते आला अधिकारियों को दे दी गई थी सारी इन्फॉर्मेशन। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सीआईडी इंस्पेक्टर की वायरल वीडियो पर जांच की बात कही है। हरियाणा की एडीजीपी ममता सिंह ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को किया आगाह। 104 केस दर्ज होने और 216 लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी दी। वहीं हरियाणा में हिंसा को लेकर एक्शन में सरकार है। नूह में पिछले 3 दिनों से तोड़ा जा रहा अवैध निर्माण, इनमें तमाम लोग हिंसा में शामिल बताए जा रहे हैं आरोपी। नूह और आसपास अब तक करीब 600 अवैध झुग्गियों को तोड़ दिया गया है। सरकार ने बुलडोजर से कार्रवाई की है जो कि अब भी आज भी जारी है। नूह में हिंसा पर बोले गृहमंत्री अनिल विज, कहा तनाव की आशंका की नहीं थी खुफिया जानकारी। उधर झज्जर में नूह हिंसा को लेकर बोले राजस्थान के कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, हरियाणा में डबल इंजन की सरकार फेल हुई। अंबाला में नूह हिंसा को लेकर विरोध कर रहे बजरंग दल के सदस्यों ने पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप। मारपीट के विरोध में थाने में बवाल। उत्तराखंड के रामनगर में बाल बाल बचा बहुत बड़ा हादसा होते हुए। उफनते दरिया को पार करते वक्त सैलाब में पलट गई यात्रियों से भरी बस, मुश्किल से बची यात्रियों की जिंदगी। सैलाब में बस पलटने के बाद सभी 35 यात्रियों को जेसीबी के जरिए मदद से निकाला गया बाहर। घंटों चला रेस्क्यू मिशन, यात्रियों पर भरा भारी पड़ा बस ड्राइवर का दुस्साहस। उधर मंडी में भूस्खलन के मलबे की चपेट में आई कार, सभी कार सवार सुरक्षित बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कई नदियां उफान पर हैं, लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जम्मू कश्मीर के रामबन में भूस्खलन का संकट है। पहाड़ी में भारी मात्रा में हाईवे पर मलबा आ गया है, विस्फोट जैसा मंजर दिखा। भूस्खलन के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। जबकि धौलपुर में भारी बारिश के चलते गिरा स्कूल का इमारत, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। हिमाचल प्रदेश में 7 अगस्त तक भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। कई इलाकों में तेज बारिश के साथ लैंडस्लाइड की संभावना है। गिरिडीह में पुल से नदी में पलटी बेकाबू बस, कई यात्री जख्मी हो गए, कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है। जबकि हरिद्वार में भारी बारिश से हरिद्वार ऋषिकेश मार्ग बंद है, लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। हमीरपुर में बांधों से पानी छोड़े जाने से चंद्रवल नदी में बाढ़, जिला मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क टूटा। वाराणसी में आज तीसरे दिन भी ज्ञानवापी परिसर का सर्वे जारी है। सुबह 8 बजे ज्ञानवापी परिसर में घुसी एएसआई की टीम। एएसआई ने डीजीपीएस नाम की डिवाइस से दूसरे दिन किया ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे, जल्द सामने आएंगे पुख्ता सबूत। ज्ञानवापी केस की वादिनी सीता साहू का दावा है, पश्चिमी दीवार पर आधे पशु आधे मनुष्य की दिखी प्रतिमा, एएसआई ने नहीं की इस बात की पुष्टि। स्वास्तिक और त्रिशूल जैसे चिन्ह किए गए रिकॉर्ड, हर आकृति के निर्माण शैली की प्राचीनता की जानकारियां की गई हैं दर्ज। जबकि सर्वे के लिए मस्जिद के केयरटेकर एजाज अहमद ने खोला ताला, वजू खाने को छोड़कर मस्जिद के अंदर के हिस्से में हुई है सर्वे की कार्रवाई। वही मस्जिद के रकबा नंबर 9130 के बैरिकेटेड एरिया में हुए सर्वे की कार्रवाई, दूसरी जगहों पर भी हुआ सर्वे। एसआई रडार तकनीक से करेगी ज्ञानवापी में जमीन के भीतर का सर्वे, 2 से 3 दिनों में सर्वे के लिए लाया जाएगा जीपीआर रडार। मंगलवार से शुरू हो सकता है जीपीआर यानी ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार से सर्वे, और नहीं होगा इससे इमारत में कोई भी नुकसान। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सर्वे के दूसरे दिन मुस्लिम पक्ष ने किया सहयोग, ज्ञानवापी की इंतजामिया मस्जिद कमेटी सर्वे में शामिल हुई। ओवैसी ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा सर्वे के जरिए बीजेपी मंदिर के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में लगी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को देंगे बड़ी सौगात, रखेंगे देशभर में 508 रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट की आधारशिला। 24,000 करोड़ की लागत से होगा रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत वर्ल्ड क्लास बनेंगे रेलवे स्टेशन। यूपी समेत कई अन्य राज्यों के रेलवे स्टेशन की बदलेगी सूरत, लोगों की आवाजाही में मिलेगी इससे काफी मदद। गुजरात और तेलंगाना में 21, झारखंड में 20, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में 13 स्टेशन का होगा विकास। जबकि 508 स्टेशन पर 2 साल में पूरा होगा कार्य, यात्रियों को मिलेगी कई नई सुविधाएं। 508 रेलवे स्टेशन भवनों पर स्थायी संस्कृति विरासत वास्तुकला का किया जाएगा डिजाइन, शहर की खूबसूरती को प्रदर्शित करेंगे रेलवे स्टेशन। दानापुर रेल मंडल के 13 स्टेशन को भी बनाया जाएगा वर्ल्ड क्लास, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मिली है सौगात। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने वाले हैं शिलान्यास। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान के 55 स्टेशन की रखेंगे आधारशिला, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।
जबकि दरभंगा रेलवे स्टेशन की भी सूरत बदलने वाली है। पीएम मोदी आज रखने वाले हैं आधारशिला। पीएम के कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारियां। उधर विश्व स्तरीय होगा रामगढ़ का बरका काना रेलवे स्टेशन। यात्रियों को लिफ्ट सहित कई आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। उधर जालंधर में क्रिश्चियन और एससी समूहों ने किया है 9 अगस्त को पंजाब बंद का ऐलान। मणिपुर इंसाफ मोर्चा के अध्यक्ष सुरजीत थापर ने घोषणा की है। इटावा से बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया की सांसदी पर मंडराया खतरा। अफसर से मारपीट के आरोप में एमपी एमएलए ने सुनाई है 2 साल की सजा। पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान में टीएमसी छात्र परिषद और वामपंथी छात्र संगठनों के बीच हिंसक झड़प। दोनों पक्ष के करीब 15 लोग घायल। एमपी छिंदवाड़ा में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में पहुंचे कांग्रेस नेता कमलनाथ। परिवार के लोग भी रहे मौजूद। उतारी आरती, लोगों की दिखी भारी भीड़। अलवर में अंजू के खिलाफ पति अरविंद ने कराया मुकदमा दर्ज। पाकिस्तानी नसरुल्ला के खिलाफ कार्रवाई करके गिरफ्तार करने की मांग। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की कॉन्ट्रैक्टर को चेतावनी। कहा अगर अच्छा काम नहीं किया तो बुलडोजर उनके ऊपर चलेगा। भीलवाड़ा रेप मामले में अशोक गहलोत ने किया ट्वीट। कहा पुलिस निष्पक्ष रहकर कार्रवाई जारी रखेगी। आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलवाएंगे। झुंझुनू में बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा के बिगड़े बोल। सीएम अशोक गहलोत पर बोले मैं मुख्यमंत्री को बाल समझता हूं। जयपुर में महिलाओं के साथ रेप की घटनाओं को लेकर सीएम गहलोत के आवास के बाहर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी युवा कार्यकर्ता प्रदर्शन किया। जयपुर में कांग्रेस सरकार ने अपनी पार्टी के मेयर मुनेश गुर्जर को किया सस्पेंड। रिश्वत कांड में नाम सामने आने पर एक्शन। मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी विपक्षी इंडिया की तीसरी बैठक। नाना पटोले ने दी जानकारी। पटोले ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे हमारे साथ हैं। बैठक का निमंत्रण भेजने और व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई। राहुल को लेकर बोले राणा पटोले सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को न्याय दिया इसलिए बढ़ा बैठक का महत्व। जयराम रमेश ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता अब तक बहाल नहीं करने पर उठाए मोदी सरकार पर सवाल। कहा क्या प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव में उनके शामिल होने का डर है। राजौरी में सुरक्षा बलों के जवानों को कामयाबी मिली है एनकाउंटर में एक आतंकवादी का सफाया। अहमदाबाद में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया हेल्थ केयर उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। कहा स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश आगे बढ़ रहा है। गोवा के डोना पाउला में जिला पंचायत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शिरकत किया। रायपुर में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना का किया है वितरण। सभा को किया संबोधित। छतरपुर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विकास पर्व में शामिल हुए लोगों को किया संबोधित। सीएम ने श्रीनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने की मनाई चौथी सालगिरह। आतंकवाद पर इसे बताया करारा प्रहार। जबकि राजस्थान के बीकानेर में करणी सिंह स्टेडियम में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल प्रतियोगिताओं का उद्घाटन हुआ। बच्चों में दिखा गजब का उत्साह। अयोध्या में अग्निपथ योजना के तहत प्रशिक्षण के बाद 49 जवान भारतीय सेना में शामिल हुए। मौके पर कई अधिकारी रहे मौजूद। लुधियाना में गुरुद्वारा साहिब में श्रद्धालुओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में आरोपी गिरफ्तार। 4 दिवसीय दौरे पर चेन्नई पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि और सीएम एमके स्टालिन ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने जवाहरलाल नेहरू रोड स्ट्रेच का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए कई निर्देश। श्रावस्ती में भीषण सड़क हादसे में कार सवार महिलाओं बच्चों समेत 6 लोगों की जान चली गई है। ड्राइवर की हालत नाजुक बनी हुई है। उधर लाहौल के काजा रोड पर एक कार की दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 की मौत, 2 जख्मी। खेड़ा में अचार बनाने वाली कंपनी में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियां। कानपुर में मामूली विवाद को लेकर भिड़े 2 पड़ोसी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। एमपी के देवास में एक शिक्षक के धर्म विरोधी टिप्पणी पर मचा बवाल। टीचर पर एक्शन लेने की मांग। खूंटी के व्यापारी से लूटपाट करके भाग रहे थे लुटेरे। लुटेरों ने पीछा कर रहे ग्रामीणों के साथ साथ पुलिस पर भी फायरिंग की। फिरोजाबाद में 20,000 रुपए के लिए हत्या के आरोपी ने शराब के नशे में एक दरोगा को गोली मार दी। बेटी की फीस जमा करने के लिए चाहता था 20,000 रुपए। बेहाला में हुई दुखद दुर्घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया जहां स्कूल जा रहे एक बच्चे को एक वाहन ने कुचल दिया था। बिहार के सहरसा में पुलिस चला रही ऑपरेशन मुस्कान। अब तक 11 मोबाइल बरामद करके पीड़ित लोगों के मोबाइल वापस किए हैं पुलिस ने। जबकि पंजाब के फरीदकोट में नशा रोकना पड़ा। एक युवक को भारी नशा बेचने वाले ने गोली मार दी। मौके पर युवक की मौत हो गई।
सिद्धार्थनगर में नाबालिग बच्चों से दबंगों ने किया अमानवीय व्यवहार, चोरी के शक के चलते बच्चों को सूखी मिर्च के साथ साथ लगाया इंजेक्शन। गोपालगंज में असली पुलिस के हत्थे चढ़ा फर्जी पुलिसकर्मी, हाईवे पर कर रहा था अवैध वसूली। गुरुग्राम में एक तरफा प्रेमी ने लड़की के घर को किया था आग के हवाले, युवक साथियों सहित गिरफ्तार हुआ है। रायगढ़ में दिखा गजब का नजारा, रेप के आरोपी ने पीड़िता से जेल में धूमधाम से रचाई शादी। गुरुग्राम के घर के बाहर खड़ी कार में अचानक आग लग गई, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। रूसी नियंत्रित यूक्रेन में गोलीबारी के बाद डोनेस्क विश्वविद्यालय की इमारत में भीषण आग लग गई, आपातकालीन मंत्री मौके पर पहुंचे। इजिप्त की राजधानी काहिरा में ऐतिहासिक मंत्रालय में भीषण आग, एक दिन पहले ही मंत्रालय के अधिकारियों को भवन के रिकंस्ट्रक्शन का हवाला देकर दूसरी जगह पर किया गया था शिफ्ट। पूर्वी चीन के शेडोंग में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया, चीन ने लेवल 4 आपातकालीन प्रक्रिया के सक्रिय भूकंप में किस लोग मामूली रूप से जख्मी है जानकारी दी गई। उधर स्लोवेनिया में बाढ़ से बिगड़े हालात, अब तक 2 लोगों की जान जा चुकी है, पीएम रॉबर्ट गोलोब ने लोगों को घरों से नहीं निकलने की अपील की है।